हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण और हम इस वीडियो में बात करने वाले एनएफसी टैग्स के बारे में, जो कि काफ़ी सस्ते मिलते हैं और काफ़ी यूजफुल भी होते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द ड्रिल। तो ये हैं एनएफसी स्टिकर्स और हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, कैसे रीड एंड राइट होते हैं। और इनको आप अमेज़न से परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पर आपको इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के परचेज़ कर सकते हो। ये मुझे 350 के पड़े हैं, 10, जो कि मैं अभी एक यूज़ करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, जिसको मैंने अपने इस वॉलेट पे लगा रखा है। यहां पे ये देखिए, एनएफसी टैग्स को यूज़ करने के लिए या स्टिकर्स को यूज़ करने के लिए ऐसी आपको एक ऐप चाहिए होगी। मैं इस ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एनएफसी टूल्स करके है ये। यहाँ पर आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है और ये स्किप कर देता हूँ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे रीड और राइट का आता है, तो रीड का मतलब कोई भी टैग है तो आप उसको रीड कर सकते हो उसमें क्या है, और राइट का मतलब आप उस पर कमांड लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही राइट ऑप्शन हम दबाते हैं तो राइट में यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड आ जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी यूआरएल को हम ऐड कर सकते हैं, चाहे वो आपका यूट्यूब का हो, आपकी वेबसाइट का हो, कस्टम यूआरएल यहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे देखो लिंक्स कई सारी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, सर्च आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, वो चीज़ सर्च हो जाएगी, सोशल नेटवर्क्स, वीडियोस, फाइल्स, कुछ भी का लिंक आप यहाँ पे दे सकते हो, ईमेल, फ़ोन नंबर, एसएमएस, एनीथिंग। और इसके अलावा नीचे आप देखो लोकेशन, एड्रेस और वाईफाई, कोई भी कमांड आप यहाँ पे दे सकते हो, उस कमांड से आपके फ़ोन में काम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे टैग हो गया और अब यहाँ पे हम लोग एनएफसी यहाँ पे चालू कर लेते हैं, और ये हमने एनएफसी चालू कर लिया है। अब ये ओके कर देते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको टैप करूँगा तो ये देखो वेबसाइट खुल चुकी है यहाँ पे, और ऐसे से तुरंत ही ये वेबसाइट आ गई। इसको कैंसिल कर देते हैं। ये देखो तुरंत ही इंस्टाग्राम का मेरा पेज खुल चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय द वे, आप यहाँ पे जाकर के मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो ये तुरंत ही खुल जा रहा है, तरुण और चौहान ड्रिफ्टर। तो ये आप दोबारा मैं करके दिखाता हूँ, जैसे ही टैप करूँगा तुरंत ही खुल जाएगा। तो ये इतना ही कन्वीनियंट है। अभी मैं सिखाता हूँ कि ये सब कैसे आपको सेटअप करना है, पूरी चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो जैसा अभी आपने देखा तो हमने सोशल मीडिया लिंक दे रखी थी, तो एनएफसी टूल्स पे जाना है और राइट दबाना है, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड दबाना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सोशल मीडिया नेटवर्क्स का। तो यहाँ पे देखो सारा ऑप्शन है, इंस्टाग्राम, लाइन और फेसबुक, सब कुछ है। तो जैसे अगर मैं इंस्टाग्राम करना है तो यूज़र नेम यहाँ पर आपको केवल लिख देना है और ओके दबा दे। मैं यहाँ से अपनी प्रोफाइल का लिंक ले लेता हूँ ताकि मैं वहाँ पर शेयर कर सकूँ। अभी मैं यहाँ पे देखो कॉपी करता हूँ, शेयर, ये यहाँ पे कॉपी लिंक मैंने कर ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जा करके जैसे ही हम यहाँ पे ये पेस्ट करेंगे और ओके करेंगे, अभी जैसे ये यहाँ पे ऐड हो गई है लिंक, अब हमें राइट दबाना है और राइट दबा के हमें एनएफसी को अप्रोच करना है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसे लगाऊंगा, ये देखो राइट कंप्लीट हो गया, तो इसने जो है अब इस पर राइट कर दिया। तो अब जैसे ही इस पे देखो आपका राइट हो चुका है, तो यहाँ पे अब वो सेव हो गई है लिंक। अब जैसे ही मैं इस फ़ोन को टैप करूँगा यहाँ पे देखो, तो ये तुरंत ही इंस्टाग्राम यहाँ पे खोल देगा। अभी वो मेरी प्रोफाइल में इशू है इसलिए इस फ़ोन पे नहीं खोल रहा है, बट इंस्टाग्राम तुरंत ही इंस्टेंट। तो अब इस तरीके से आप कमांड्स दे सकते हैं और इस टैग का यूज़ कर सकते हैं अपने वॉलेट पे। किसी को अगर आपको अपना बिजनेस कार्ड देना है तो आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इंस्टा आईडी देनी है, फेसबुक आईडी देनी है, या फिर आपको कोई और कमांड देनी है, आप अपने गाड़ी पे लगा सकते हैं, आप यहाँ पे इमरजेंसी नंबर्स की कमांड वगैरह दे सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। जो भी आप करेंगे फ़ोन वो तुरंत ही कर देगा। ब्लूटूथ, बिटकॉइन, देख रहे हो बहुत सारा ऑप्शन है, इमरजेंसी, स्ट्रीट व्यू, एड्रेस, कस्टम लोकेशन, लोकेशन, एसएमएस, कॉन्टैक्ट, तो ये सब कुछ आप कर सकते हो, वीडियो वगैरह। और ये एक बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो। और ये देखो न्यू टैग दिखा रहा है कि आ गया, ये गलती से इसके ऊपर रख गया था, तो ये बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। ये ऐप की भी लिंक दे दूंगा मैं और इसको परचेज़ करने की भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके परचेज़ कर सकते हो।
और ये सब आप कर सकते हो, अपनी गाड़ी पे लगा सकते हो, अपने घर के डोर पे लगा सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको NFC का यूज़? अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं नीचे कमेंट्स में बता दूंगा। बाकी ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, आप मंगा सकते हो। ये 350 के 10 मिले तो ऑलमोस्ट कितना, 35 रुपये का एक टैग पड़ रहा है। और भी सस्ता आता है, मैं लिंक वगैरह दे दूंगा इसकी। और जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो हर जगह, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसा आप चाहो, आप लाइट को कमांड देना चाहो, आपकी स्मार्ट लाइट है, जो भी करना चाहो आप वो सब कर सकते हो इन टैग्स के साथ, इन स्टिकर्स के साथ। ये बहुत ही मतलब छोटी सी चीज़ है और बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। बट ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन में NFC होना चाहिए, जो कि मोस्टली काफ़ी ज़्यादा सस्ते फ़ोन्स में तो मोटरोला के फ़ोन्स में है, उसके अलावा सैमसंग की A-सीरीज़ वगैरह में है, आप एक बार चेक कर सकते हो। और बहुत सारे वीवो ओप्पो सब में दे रखा होता है, बट जनरली सब में नहीं मिलता है। बट सबसे सस्ते में अगर देखा जाए तो मोटरोला अपने 10-12 हज़ार के फ़ोन में भी दे देता है NFC, और इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? अगर ऐसे वीडियोज़ आपको और चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आप टेक कम्युनिटी से देख रहे हो, अगर आपको टेक पॉडकास्ट में इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट करो यार, हम इंटरेस्टेड हैं कोलैब वगैरह में। उसके अलावा अगर सारा कुछ देख लिया तो सारा कुछ कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन आइकन, सभी कुछ दबा दो। अपना ध्यान रखो, अपने आसपास वालों का ध्यान रखो, एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं चलता हूँ।